जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिनसे एक गोवंश का पालन भी नहीं होता था, लेकिन तकरीबन वो 150 गोवंश का आज पालन कर रही हैं। दूध 80 रुपये लीटर, घी 3000 रुपये लीटर से वो सेल कर रही हैं। चलिए बात करते हैं अर्चना तोमर जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम अर्चना तोमर है और मैं मेरठ रहती हूँ, देसी गाय का फार्म में देसी डेयरी के नाम से 2 साल से मैं ये चला रही हूँ। बैकग्राउंड है, रहे हम शुरू से मेरठ ही हैं ये है, लेकिन शौक़ तो था, गाय पालने का बहुत काफ़ी शौक़ था कि पालते हैं। एक बार हमने अपने घर में भी एक गाय पाली मेरठ में, शौक़ में ही ये रखते हैं, लेकिन हम मैनेज कर नहीं पाए उसको, ये जानकारी नहीं थी, तो बहुत कोशिश करी उसको अच्छे से करने की, कर नहीं पाए हम। फिर हमें वो गाँव में भेजनी पड़ी, लेकिन तब से लगा कि नहीं करना है। फिर उसके बाद में बहुत हमने सर्च करनी शुरू करी, देखभाल पढ़ना भी और भी जगह से जानकारी ले ले करके, तब अच्छी तरह से खूब सर्च करके फिर आए कि देसी गाय का करना है। मैम पिछली बार जब हम फार्म पे आए थे तो हमारी बात सौरभ जी से हुई थी, आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो ये बताइए कि एग्जैक्टली जो सौरभ जी है और आप है, काम कैसे डिफाइन करते हैं एक दूसरे का? सौरभ मेरा छोटा भाई है जो मेरे को बहुत सपोर्ट काम में कर रहा है, शुरू से किया है, सारी गाय परचेज करके लाना वो उसको रहता है, जाना कई कई दिन लगाना, वहाँ मार्केट बाज़ार में ढूंढना सब करता है, यहाँ पे भी वो करता है, यहाँ अंदर फार्म के अंदर मैनेज मैं कर रही हूँ, बाहर का मैनेज वो कर लेता है, हमारा दोनों का यह है कि मिलजुल के कर रहे हैं। अब मैम ये बताइए कि यहाँ पे ये जो फार्म है ये पहले से भी बड़ा था लेकिन आपने और बड़ा कर दिया है, कुछ शेड और एक्स्ट्रा बना लिए हैं, तो जब हम आए थे 30 के करीब आपके पास यहाँ पे गोवंश था, अभी तकरीबन टोटल कितना है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। टोटल अभी हमारे पास 125 गोवंश हैं, समथिंग 125-130 अराउंड है। अब जैसे देसी गोवंश है, एग्जैक्टली पिछले 3 या 4 साल से देसी गायों पे फोकस बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ा है, लोग बाग जहाँ पे HF कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने देसी गायों का फार्म कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि देसी गाय के फार्म में प्रॉफिट है, अपने आप को वो सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता, वो बताइए। नहीं, प्रॉफिट या लॉस तो ऐसा नहीं है कि लॉस है, प्रॉफिट तो होगा। अब ऐसे दिल्ली गुड़गांव वहाँ बहुत अच्छे कीमत पर दूध जा रहा है, तो वहाँ तो लॉस का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे मेरठ में है अभी इतना डेवलप नहीं है, 80 रुपये लीटर हम दूध दे रहे हैं, उसमें भी है कि हम स्टैंड कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपना, अभी तक तो ये था कि हम घर से ही कर रहे थे धीरे धीरे, पर धीरे धीरे अब उम्मीद है कि आगे हाँ लॉस में तो नहीं जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला वो रह सकता है, क्लियर रहेगा हमारा आगे। हाँ उम्मीद है कि मेहनत और ईमानदारी से हम काम करेंगे, क्वालिटी देंगे, तो प्रॉफिट भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब मैम मुझे ये और जानना है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली हो गया है, मुंबई चलिए ये Tier 1 सिटीज़ हो गई जो अच्छी सिटीज़ में आता है, मुंबई जैसे मेरठ हो गया ये थोड़े छोटे शहरों में आता है, लेकिन अगर मुझे इससे भी छोटे शहर के अंदर करना है, मेरठ से भी छोटे शहर के अंदर बहुत सारे बागपत है, ऐसे शहर हैं जो इससे छोटे हैं, क्या उन शहरों में भी अगर मैं देसी गायों का फार्म करता हूँ तो वहाँ पे इकोनॉमिकली सस्टेन कोई हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो पाएगा उस पर, नहीं है छोटे शहर में, यह है कि तुम अपनी सप्लाई बड़ी सिटी में कर सको, फार्म छोटे में क्या सप्लाई बाहर दे सको तो शायद होगा, लेकिन अगर छोटी सिटी में तो मुश्किल है इस दूध को, क्योंकि कीमत तो छोटी सिटी में मिलना मुश्किल है। मतलब कि तकरीबन अगर 60-70 किलोमीटर के अंदर बड़ी सिटी है तो वहाँ पे मार्केट आप तलाशिए, छोटे शहरों में मतलब कि डायरेक्टली सेल अच्छे रेट पे नहीं हो पाने का। अच्छे रेट मुश्किल है क्योंकि दूध बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है, तो महंगा जल्दी से तैयार नहीं होता कोई खरीदने के लिए। अब मैम एक चीज़ और मुझे जाननी है, जैसे कि आपने देसी गायों का किया, अब कोई आदमी HF करता है, तो आपके हिसाब से, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, देसी गायों का अगर प्रॉफिट लेना है, आप मान लीजिए गौ सेवा के अंदर है, अच्छी बात है, लेकिन एक किसान कोई प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो HF अच्छा रहेगा या देसी गायों का डेयरी फार्म अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा है इसमें? नहीं, डिपेंड करता है, अगर हमारे पास मार्केट अच्छा है, हम अच्छी सिटी में हैं कहीं हैं, तो वहाँ हम देसी गाय का करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा है, उसकी डिमांड भी और अच्छी कीमत में मिल रही है हमें, तो वहाँ देसी का अच्छा चलेगा, और बाकी छोटी में तो फिर HF में ही प्रॉफिट लेना है, तो फिर HF ही करना है, क्योंकि गाय सस्ती है, दूध ज़्यादा है,
और जल्दी से सेल भी हो जाएगा। मैम यह भी बताइए कि जैसे अगर कोई शुरुआत कर रहा है फार्म की, बड़े शहर के अंदर भी कर रहा है, तो आपके हिसाब से, आपने तो बहुत बड़ा फार्म यहाँ पे सेटअप कर दिया था, लेकिन कोई किसान है जिसके पास इतना पैसा नहीं है, वो तो छोटे से शुरुआत करना चाहता है, तो वो बड़े से शुरुआत अच्छा रहेगा देसी के अंदर, या छोटे से 4-5 गायें ला के भी अपना काम शुरुआत कर सकता है? नहीं नहीं, छोटे से शुरुआत की जा सकती है, स्टार्टिंग में कहती छोटे से ही करनी चाहिए, एकदम बड़े से नहीं करो, छोटे से करो, धीरे धीरे मार्केट बनाते रहो और आगे बढ़ाते रहो अपना, जैसे डिमांड दिखती रहे उस तरीके से। अब मैम एक चीज़ और जाननी है, जैसे ये यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, ये चलिए बच्चे हैं, ये आगे 2 साल के लिए आप इस पे मेहनत करेंगे, ये दूध देगी, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जितने बड़े बच्चे हैं उससे ज़्यादा आपके पास छोटे बच्चे हैं, इतने बच्चे होने के बाद भी शायद जितना खर्चा इन पे हो रहा है उससे ज़्यादा उन पे हो रहा है, तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, या इकोनॉमिकली सस्टेन हो सकता है बछड़ों के साथ भी या नहीं, या आप इनको कैसे, ताकि इनसे फ़ायदा हो सके, वो कैसे कर रहे हैं वो बताइए। बच्चे तो गाय के साथ बच्चे तो पालने पड़ेंगे, दूध देगी इसकी माँ तो पालने हैं हमें। अच्छा, जो दूध नहीं भी पी रहे हैं बच्चे, बच्चे हैं, मेहनत इन पे हम करेंगे, आगे बड़ी होकर यही गाय बननी है, यही हमें आगे प्रॉफिट भी देंगी, दूध भी देंगी, तो इन पे मेहनत तो करके ही हमें मिलना है, जो भी मिलना है आगे जा करके। तो मैम बच्चे को तो चलो देख लिया, लेकिन बछड़ों का क्या करेंगे आप, मुझे बछड़ों का जानना है मैम। हाँ, बछड़ों से तो है कि बछड़ों का क्या किया जाए, बछड़े कहाँ भेजे जाएँ आज के टाइम में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ना तो ऐसे छोड़ा जाता है इनको, ना ही पाल पाएंगे इतने आगे तक, कहाँ तक पालेंगे, कितना काम करवाएंगे इन सब, काम भी लेंगे तो। देसी गायें इतनी सारी हैं, आपने गिर साहिवाल यहाँ पे रखी हुई है, असल में अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से देखा जाए तो क्या गिर और साहिवाल पालना ही ठीक है, या कोई से भी हम ब्रीड पाल सकते हैं? नहीं, देसी तो कोई से भी ब्रीड पाल सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि यही दो ब्रीड पालनी है, देसी तो सभी गाय अच्छी हैं। नहीं, लेकिन मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोगों को गिर 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 सुन के ऐसा लगा हुआ है कि वो ही दूध अच्छा देती है, तो कहीं इस तरीके की एक धारणा लोगों के मन में है तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, ये चीज़ है मन में है लोगों के, कि गिर गाय का दूध होना चाहिए, गिर का सबसे बेस्ट है, गिर गाय का दूध मिले, ये डिमांड है। लेकिन सभी गाय का, देसी गाय जो भी है उनका सभी का दूध अच्छा है आपके साथ? हाँ, दूध सभी गायों का अच्छा है, देसी जो भी नस्ल की गाय है उनका सबका दूध अच्छा है। मैम इसमें मुझे ये भी जानना है कि जैसे अगर कोई किसान भाई है, छोटा किसान भाई है, 4 या 5 गायों से शुरुआत करना चाहता है, तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा देसी गायों का जो फार्म वो कर रहा है? कैपिटल पूरा इन्वेस्टमेंट तो गाय के ऊपर डिपेंड है कि हमारी गाय की कॉस्ट किस 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 की, अलग अलग कॉस्ट की है, कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं एक गाय का कितना है, ये गिर गाय है सबसे महंगी आ रही है और देसी में उससे थोड़ी नीची मिल जा रही हैं, तो डिपेंड उसके ऊपर है। अगर 4-5 गाय भी लेकिन पाल रहा है तो 3-4 लाख रुपए तो कम से कम उसे लेके चलना पड़ेगा, अगर गिर गाय पाल रहा है। हाँ, अगर गिर गाय पाल रहा है। और अगर मैं रेड सिंधी या हरियाणा नस्ल की या और दूसरी पाल रहा हूँ, तो उनमें अंदाजन कितना आ जाएगा? उनमें थोड़ा कम आ जाएगा, हरियाणा नस्ल वगैरह की गाय सस्ती मिल जाती है, लेकिन उनका दूध भी फिर इतना हमारे यहाँ है नहीं, सक्सेस नहीं है, कम है दूध जो हम अपने यहाँ मतलब देख रहे हैं, गिर से उनका दूध कम है। अब मैम ये बताइए, जैसे आपने दूध की बात की कि उनसे कम है, टोटल प्रोडक्शन इस फार्म पे अगर देखा जाए तो कितना है? हमारे जो टोटल दूध यहाँ पे हो रहा है लगभग 100 लीटर एक टाइम में हो जाता है हमारे पास, 200 लीटर दोनों टाइम में। और ये टोटल दूध आप सेल कर रहे हैं या इसका कुछ घी या पनीर या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ आप बना रहे हैं? नहीं, हमारा दूध और घी दो चीज़ें हमारी आती है। दूध आपका 80 रुपये लीटर, और अगर घी की बात करें तो घी कितने रुपए लीटर आपका जा रहा है? 3000 रुपये लीटर घी हमारा। मैम 3000 रुपये दूध का एक बार को चलो मैं समझ सकता हूँ कि 80 रुपये लीटर में 70-80 देसी गायों का है, और गिर पे लोग बाग फोकस भी कर रहे हैं तो एक बार खरीद लेंगे, लेकिन जैसे आपने 3000 रुपये लीटर बताया, जहाँ की 150 रुपये में भी देसी घी मिलता है एज इन, 500 रुपये में भी मिल रहा है, और अगर आप गाँव के अंदर जाएंगे तो 600-700 रुपये में भैंसों का भी दूध मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप 3000 रुपये किस तरीके से बेच पा रहे हैं वो मुझे जानना है, थोड़ी सी उसके बारे में। उसमें तरीका क्या, 80 रुपये लीटर हमारा दूध है, 30 से 35 लीटर में 1 किलो हमारा घी बनता है दूध में, इससे कम में बन ही नहीं पाता, हमने बहुत अच्छी तरह ड्राई, और जबकि बहुत अच्छी डाइट देने के बाद इतने में बन रहा है, तो हमारा दूध का पूरा लगाओ कॉस्ट
उसके बाद उसको बिलोना है, जमाना है, गर्म भी होता है, घी भी बनाना तैयार करना, मेहनत जो लग रहा है इसमें, लेबर लग रही है, उसका भी कॉस्ट है। फिर ग्लास का जार है, उसकी भी कॉस्ट है। 3,000 रुपये, इससे कम हमारा बैठ ही नहीं पाता। मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों का कैसे कम बैठ बन रहा है, किस तरीके से दूध कैसे बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कि 400-500 रुपये में कैसे घी बन रहा है, 600 में भी कैसे बन रहा है, मेरी समझ में बात नहीं आती। नहीं मैम, चलिए ये बात हम मान गए कि इतने में बनेगा, लेकिन अब मैं जैसे मैं ख़रीदार हूँ, आप मुझे 3,000 रुपये का बताएंगे एज ए नॉर्मल, अगर आप मुझे बता रहे हैं, किसी आदमी को बता रहे हैं, तो 3,000 रुपये एक बार सोचेगा कि मुझे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। तो उन लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं आप, क्या जो दूध खरीदने वाले हैं, जैसे लोग बागों को गिर गाय के बारे में पता चला है तो वो दूध खरीदने इस तरीके से ही इसका वो है ख़रीदते हैं लोग बाग? हाँ, उसको जिसको जानकारी है वो रेट ही नहीं देख रहा, उसको 3,000 भी सस्ता लग रहा है कि 3,000 रुपये में सस्ता घी है हमारे यहाँ, और जगह महंगा ही है जहाँ से वो गिर गाय का मंगा रहे हैं, तो 3 से ऊपर उन्हें मिल रहा है। और घी हमारा ऑन डिमांड में रहता है, हम पूर्ति नहीं कर पा रहे घी की, कि जितना हमारा बन नहीं पाता उससे ज़्यादा हमारे पास डिमांड रहती है घी के लिए। प्योरिटी है, क्वालिटी मिल रही है, तो ले रहे हैं लोग बाग विश्वास पर। अब मैम एक और चीज़ जाननी है, जैसे आपने बताया कि फीड अच्छा मिलता है, ये सारी चीज़ें, फीड पे मुझे ये जानना है एग्जैक्टली फीड कितना इम्पोर्टेंट होता है, एज इन जैसे दूध है, दूध अगर माँ जैसे बच्चे से पीते हैं तो बच्चा, अगर माँ बीमार है तो बच्चा भी बीमार होता है, कहीं ना कहीं अगर गाय का या भैंस का आप दूध पी रहे हैं और अगर उन्हें फीड या रहना सहना अच्छा ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है, क्या आप इसी तरीके से इस चीज़ को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका तो पूरा असर पड़ेगा, वो क्या खा रही है, जो खा रही है वही वो दूध में देगी, तो इसका तो सबसे बड़ा असर है उसके पास डाइट का। तो उसके लिए डाइट में हम उसको अपना दलिया खुद अपने आप पिसवा करके अपने आप अपने ही चक्की से तब हम दे रहे हैं अपनी आंखों के सामने। हरा चारा है वो हम अपना ही ऑर्गेनिक अपनी ही सलैरी से जो निकल के खाद बन रहा उसी का दे रहे हैं, हम बाहर का नहीं दे रहे, क्योंकि बाहर में दवाइयाँ भी होती हैं, खाद भी डाला होता है, हम कोई नहीं देते, चाहे हमें कम देना हो लेकिन देंगे हम उतना ही जो हमारे अपना खुद पैदा कर रहे हैं अपना। तो डाइट का तो मेन है ही है, अच्छा खाएगी तो अच्छा देगी भी, खुले में घूमेगी तो अच्छा ही रहता है सब। मैम एक चीज़ और बताइए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप जो डेयरी फार्म ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे? मैनेजमेंट का सारा रोल है इसमें, मैनेजमेंट हमारा सही है तो हमारा काम सारा सही है, हम उसे सही से मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। मैनेजमेंट सही नहीं है तो हम 5-6 महीने में फेल हो जाएंगे, नीचे आ लेने वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं आ जाएंगे, तो सब ख़त्म है मैनेजमेंट के बिना। तो मैम तो मैनेजमेंट असल में मुझे थोड़ा सा डिफाइन और कर दीजिए कि असल में मैनेजमेंट होता क्या, क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है, क्या क्या नहीं देखनी, या कौन कौन सी क्रूशल चीज़ होती है जो मैनेजमेंट डिफाइन करता है? मैनेजमेंट में जैसे हमारा दिन के स्टार्टिंग से ही हो गया, सबसे पहले उनके डाइट है, टाइम से उनकी सानी हो रही है, टाइम से दूध निकल रहा है, उनके बीच में रहना घूमना, किस गाय को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, वो चीज़ हमें ध्यान देनी है, उसको पूरा डेली का हमें देखना है खुद से घूम के उनके बीच में, और उनका साइकिलिंग पीरियड सही टाइम से चलता रहे, होता रहे, किसी का नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, वो सब चीज़ हमें पूरे ध्यान रखनी है सब चीज़ों का। और तो मैम इसके अंदर जैसे कि गाय को ख़रीदना या सामान बेचना है, दूध को बेचना है, घी को बेचना, किस टाइम पे घी निकालना है, दूध किस टाइम पे निकालना है, ये भी क्या मैनेजमेंट के अंदर आता है, या बुल रखना है, क्या 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 चीज़ें? हाँ जी, सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेजमेंट के अंदर ही हैं, अपना बुल है तो बेस्ट ही है, आर्टिफिशियल इतना सक्सेस नहीं है, चल रहा है आजकल, लेकिन ओरिजिनल जो है वो तो बेस्ट है, बुल है तो अपना अच्छी ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जा सकता है अपने हमारा। इसमें मैं मैनेजमेंट आपने मुझे बता दिया, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि जो किसान भाई है वो तो 4-5 गोवंश अपने यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, वो तो मैनेज नहीं कर रहे हैं, घर का चार आ रहा है उन्हें खिला रहे हैं, जिस हिसाब से थोड़ा बहुत दूध होता है वो बेच देते हैं तो उन्हें प्रॉफिट लगता है, तो फिर मैनेजमेंट का वहाँ पे जब वो नहीं कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो कहीं आप गलत हैं या वो गलत हैं, कौन गलत है इस बीच में? नहीं, उनका घर से चार आ रहा है तो उनको कोई, वो बिजनेस के उससे नहीं कर रहे उस चीज़ को, है ना, घर से चार आ रहा है, उनको घर के पीने के लिए दूध मिल रहा है, उनका काम चल रहा है, उतना ठीक है, उनका वहाँ तक सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हालांकि किसान को भी पूरा अपना होना चाहिए कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, क्या हमारा बिगड़ रहा है, इतना होना चाहिए किसान को भी, और हमारा जो है अपना पूरा इतना फार्म चलाना है तो उसके लिए तो हमें सोच के चलना पड़ेगा शुरू से कि हमारा कहाँ हमारा घाटा हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, किसी गाय ने आज कम दूध दिया है तो क्यों दिया है, दूसरे टाइम में कम दे रही है तो भी क्यों दे रही है,
वो चीज़ हमें डेली का डेली नोटिस करनी पड़ेगी, इसने खाया है नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, तो सारा मैनेज देखना ही होगा। मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिला होकर आप इतना अच्छे से इसे मैनेज कर रही हैं और इतना बड़ा डेयरी फार्म ऑपरेट कर रही हैं, तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं वो सोचती हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, या खेती का काम है, इतना गंदा काम है, इसको कैसे मैनेज करें, इसके अंदर कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, तो आप उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? नहीं, महिलाएं सारा काम कर सकती हैं ऐसा, लेकिन अगर सोच में है कि गंदा काम है तो नहीं कर सकती। अगर मैं सोची पहले कि खेती है गंदा काम है ये नहीं करना, तो फिर तो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम्हारे इसमें मन है, इंटरेस्ट है, तो फिर कोई काम गंदा नहीं है और बहुत अच्छा काम है। मैं तो कहती हूँ हमारा इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में है, काम तो वही अच्छा है, उसमें क्या बुराई है किसी भी काम को करने में। मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैं तो लगता महिला कर भी रही हैं, डेयरी फार्म भी और भी चला रही हैं, खेती भी कर रही हैं, सभी काम कर ही रही हैं। मैम इसमें एक और चीज़ बताइए कि जैसे कि ये कोरोना पीरियड चल रहा है, लोग बागों की बहुत जॉब यहाँ पे गई है कोरोना की वजह से, अब बहुत बेरोजगार लोग बाग कुछ एक ऐसी चीज़ें तलाश रहे हैं ताकि वो किसी चीज़ से प्रॉफिट कमा सके या अपना बिजनेस या जीवन यापन कर सके, तो डेयरी फार्म आप उनके लिए अगर कोई छोटे से शुरुआत करता है 4 या 5 से, वो किस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है? नहीं, अगर उसका है बजट 4-5 गाय वो रख सकता है, उसके पास अपनी ज़मीन है सबसे पहली, तो वो कर सकता है, करे, धीरे धीरे प्रॉफिट भी आएगा, मेहनत करेगा तो प्रॉफिट भी आएगा उसको। मैम आप जो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि जो हमने नहीं पूछी और आप बताना चाहते हैं उन्हें? हाँ, सबसे बड़ा मैनेजमेंट का, कोई भी डेयरी फार्म या कोई भी काम कर रहे हो उसका मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो आगे तुम उसमें आगे बढ़ सकते हो, और काम को करके छोड़ दिया लेबर के ऊपर और नौकरों के ऊपर, तो आगे उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे तुम बढ़ रहे हो। इसलिए अपना मैनेजमेंट पे पूरा फोकस करो, वो अपने अंडर में होना चाहिए मुझे लगता है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी अर्चना तोमर जी से बात। आपने देखा कैसे एक महिला इतने बड़े फार्म को पूरा मैनेज कर रही हैं। यहाँ पे वो 80 रुपये लीटर और 3000 रुपये का देसी घी वो सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप देसी गायों के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, किस जगह पे आप कर रहे हैं सेल, कैसे आपको मार्केटिंग जो है उसका अप्रोच देखना है। सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।